हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, अंडा करी की रेसिपी। ये रेसिपी आपको लगेगा भी नहीं कि आपने घर पे बनाई है। बहुत ही कम मसालों में इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आपने कभी देखी भी नहीं होगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए। मैंने यहाँ पे 6 बॉयल एग लिए, जिस पे इस तरह से आपको कट लगा देने हैं ताकि हम इसको फ्राई करें तब ये उछले नहीं और तेल की छिट्टे बाहर नहीं आए। इसे आप फोक की सहायता से भी कट लगा सकते हैं या फिर इस तरह से कोई भी चाकू की सहायता से आप इसको कट कर लें। बिल्कुल हल्के हाथों से कट कर ले ताकि ये टूटे नहीं। मैं आपको एक फोक की सहायता से भी करके दिखाती हूँ इस तरह से। फिर थोड़ा सा तेल गरम करना है, उसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मसाला तैयार करना है ताकि हम इसे फ्राई करें और सारा मसाला अंदर चला जाए एक के अंदर और वो फीका फीका नहीं लगे। इस टाइम आपको गैस की आँच बिल्कुल कम रखनी है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। उसके बाद आप एक को डालना है। एक को कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करें मीडियम आँच में, बिल्कुल पलट पलट के। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसको बाहर निकालना है। अभी इसी मसाले में अब हमें थोड़ा सा और तेल डाल के थोड़े से खड़े मसाला डालना है। अलग से तेल नहीं लेना है और ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर डाले थोड़ा सा जीरा तड़कने के बाद। यहाँ पे मैं डाली हूँ 4 प्याज की प्यूरी। 4 प्याज को लेके मैंने अच्छे से पीस लिया था, उसके बाद डाले। अच्छे से प्याज को पकाए लगभग 4 से 5 मिनट तक। प्याज पकने के बाद आप इसके अंदर डालें हरी मिर्च, कम से कम 3 हरी मिर्च डालें। मैंने हरी मिर्च को इस तरह से कट किया। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो पेस्ट भी बना सकते हैं। हरी मिर्च को पकाए कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से। हरी मिर्च पक जाने के बाद आप इसके अंदर डालें लहसुन। मैंने 10 से 12 लहसुन लिए जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। लहसुन पक जाने के बाद आप इसके अंदर डालें टमाटर की प्यूरी। देख सकते हैं मसाले में से अच्छे से तेल छूट गया है, ये साइन होता है कि हमारे मसाले अच्छे से पक गए। मैंने यहाँ 2 टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसके अंदर बाद में थोड़ी सी दही का इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अगर आप दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पे 3 टमाटर ले लें। टमाटर डालने के बाद आप इसके अंदर डालें थोड़ा सा नमक और अच्छे से पका लें टमाटर को। जब टमाटर पक जाए अच्छे से, उसके बाद सारे मसाले डालें। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा पसंद है तो 2 चम्मच डालें, कम तीखा पसंद है तो 1 चम्मच डालें। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के थोड़ा सा अच्छा पानी डालें और मसालों को अच्छे से पका लें कम से कम 3 से 4 मिनट तक। जब तक मसाले में से तेल नहीं छूट जाए तब तक आपको मसाले पकाने हैं। देख सकते हैं हमारे मसाले में से अच्छे से तेल छूट गया है। तो अभी हमें इसको ठंडा करना है क्योंकि इसके बाद हम दही को ऐड करेंगे। दही को कभी भी डालते टाइम मसाले को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही डाल लें, वरना दही हमारी फट भी सकती है और सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। देख सकते हैं अच्छे से ठंडा हो गया मसाला। उसके बाद मैंने दही डाली है और अच्छे से मिक्स कर ले। जब तक इसका कलर एकदम अच्छा नहीं आ जाए तब तक आपको इसे मिलाना है अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। अच्छे से कलर आने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। अगर आपको एकदम सूखी सब्जी बनानी है तो आधी गिलास डालें, और अगर ग्रेवी वाली बनानी है तो इसके अंदर आप 1 गिलास पानी डालें। जब पानी डालने के बाद 1 उबाल आ जाए तभी आपको अंडे डालने, एकदम ठंडे पानी में अंडे नहीं डालने। देख सकते हैं 1 उबाल आ गए तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो जो हमने फ्राई कर रखे हैं एग। एग को फ्राई करने के बाद आपको इसको लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि ग्रेवी अंदर चली जाए अंडे के अंदर और अच्छे से मसाला पक भी जाए। अगर आपको ग्रेवी इस तरह की चाहिए तो आपको 6 से 7 मिनट पकाना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो कम गाढ़ी चाहिए तो आपको 7 से लगभग 10 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैंने सब्जी बनाने में क्या क्या मसाला यूज़ किया है और कितना यूज़ किया मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लें एक बार। देख सकते हैं कितनी थिकनेस अच्छी है और कलर भी कितना अच्छा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपकी
अंडा करी कैसे बनी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें।